dear students, today we start sum of n term of an MD. आज मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का योग n पदों का किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। सम ऑफ n टर्म ऑफ एन एम पी ज्ञात करने के लिए हमें एक सूत्र का प्रयोग करते हैं। वो सूत्र है हमारा, तो वो फॉर्मूला है हमारा ऐसे सम ऑफ एन टर्म को ऐसे से डिनोट किया जाता है। ऐसे इक्वल टू होता है हमारा एन बाई टू अंडर ब्रैकेट ए प्लस पी ए। ये फॉर्मूला वन हो गया। इस फॉर्मूला को के द्वारा हम लोग सम ऑफ एन टर्म फाइंड आउट करते हैं और हमें मालूम है पी एन इक्वल टू यू नो डैट n इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। टी एन की जगह पर इस वैल्यू को पुट कर देते हैं, ये हमारा सेकेंड फॉर्मूला क्रिएट हो जाता है। वो हो जाता है हमारा एस एन इक्वल टू एन बाई टू एन बाई टू अंडर ब्रैकेट टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये हमारा हमारा दूसरा फॉर्मूला क्रिएट हो गया एस एन इक्वल टू एन बाई टू अंडर ब्रैकेट टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इस पर आधारित मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं जो 2006 और 2012 जैक में झारखंड एकेडमिक काउंसिल के द्वारा पूछा गया है फाइनल एग्जाम में। वो क्वेश्चन है हमारा फाइंड द सम ऑफ, क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ सम ऑफ द फॉलोइंग सीरीज अप टू 9 टर्म। नौ पदों का योग इस सीरीज से निकालना है। सीरीज जो दिया हुआ है पहला है टू रूट थ्री प्लस नाइन बाई रूट थ्री प्लस 12 डिवाइडेड बाय रूट थ्री। प्लस डॉट 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 डॉट। ये क्वेश्चन हमारा
झारखंड एकेडमिक काउंसिल 2006 एंड 2012 में पूछा गया था। इस सीरीज का 9 पदों का योग ज्ञात करना है। पहला पद यानी फर्स्ट टर्म दिया हुआ 2√3। फर्स्ट टर्म को हम लोग ए से डिनोट करते हैं, इसको हम P1 भी कह सकते हैं। सेकेंड टर्म है 9/√3 T2 सेकेंड टर्म। थर्ड टर्म है 12/√3 प्लस ……। नौ पदों का योग ज्ञात करना है इस सीरीज से, इस सीरीज का क्वेश्चन से। तो गिवन दैट A=2 फर्स्ट टर्म 2√3 ये दिया हुआ है। डी जो है हम लोग फाइंड आउट करेंगे T2 - T1 या T3 - T2। तो 9/√3 -2√3 इसका हम लोग एलसीएम ले लिए, ये √3 हो गया। 9 - 2√3 √3 = 9 - √3 √3 3 हो जाएगा √3 और हो गया 9 - 6√3 और हो गया 3/√3। 3 को √3 से डिवाइड कर देंगे तो ये हमारा √3 आ जाएगा। हम जानते हैं कि √3 × √3 = क्या आ जाएगा 3। तो हम √3 की जगह पर ऐसे लिखकर ऐसे इस तरह से भी लिख सकते थे हम लोग, और ये कट गया तो रिजल्ट हमारा क्या आया √3। इसको इस प्रकार से भी समझाया जा सकता है कि डी का वैल्यू निकल गया। अब हम लोग ये फॉर्मूला में पुट कर देंगे SN = N/2 अंडर ब्रैकेट परिपोर्स के अंदर डालेंगे 2A + N-1 × D अंडर ब्रैकेट क्लोज करेंगे। 9 पदों का योग ज्ञात करना था हमें क्वेश्चन में, तो यहाँ पे n का वैल्यू 9 डाल देंगे (2)2 × a का वैल्यू हम लोग डाल दिए (2√3) प्लस 9 - 1 और d का वैल्यू हम लोग निकाले थे √3 का वैल्यू पुट कर दिए। इसके बाद हम लोग देखें यहां 9/2 2 × 2√3 ये हो गया हमारा 4√3 प्लस 9 - 8 ये हो जाएगा 8√3 ये हो गया 2 से दोनों में हमको डिवाइड कर तो काटना होगा 2 × 2 = 4 2 × 4 = 8 तो 2√3 ये हो
जाएगा यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा 4√3। तो हमारा यट आ गया 2√3 प्लस 4√3। का योग हमारा निकल गया 54√3। यहां पर हम लोग 2 4 8 किए, इसको हम लोग यदि नहीं काटे अलग अलग जो प्लस करके भी हम काट सकते थे, 8 4 12 यानी 12√3। 12√3 को 2 से डिवाइड करेंगे हमारा क्या रिजल्ट आ जाएगा 6√3। 6 9 54√3 ये हमारा आंसर हो गया। तो हम लोग देखें कि सम ऑफ एन टर्म ऑफ एन एपी किस प्रकार से ज्ञात करते हैं।